फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सीटी मेंस के एग्जाम के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आपका जो मेंस का एग्जाम है उसमें आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो ग्रुप नंबर 57 एंड ग्रुप नंबर 56 का रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो 57 वाला ग्रुप है वो सीनियर सेकेंडरी यानी कि जो 12th वाला है उसके बेस पर है। इसके साथ साथ जो आपका 56 वाला ग्रुप है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, तो इसमें वैसे तो सिलेबस थोड़ा बहुत मतलब सेम ही है, कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें अलग दिए गए हैं। तो जैसे आपका ईवीएस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये दोनों में सेम है, इंश्योरेंस सेम है, सेम है, हरियाणा जी के सेम रहेगी, कंप्यूटर सेम रहेगा, तो ये सारा का सारा आपका सेम रहने वाला है। तो जिस तरीके से आप जो भी ईवीएस पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इंश्योरेंस पढ़ेंगे, वो दोनों ही एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको आज ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारे चैनल पर डेली एक ईवीएस की क्लास और साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसमें मैं जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ईवीएस का सिलेबस है ना वो ज्यादा दिया गया है एज कम्पेयर टू डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक जो चैप्टर है ना वो थोड़े ही यहाँ पर टॉपिक गिवन है, बट आपको एनवायरमेंट का जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ पर भर भर कर दिया गया है इकोलॉजी और साथ साथ जैसे आपका बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, और इस तरीके से जो पॉल्यूशन है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, एक्ट है, जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट है वो सभी आपके इस एग्जाम में दिए गए हैं। तो आपको ये पूरे के पूरे बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज क्योंकि इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि आपको एक्ट नहीं करने, जिस तरीके से जो आपका टीजीटी का एग्जाम था वहां पर कोई भी एक्ट गिवन नहीं था, वहां बिल्कुल मतलब जो बेसिक लेवल होता है ना उस तरीके से दिया गया था। बट मैंने आज यहाँ पर ये चेक किया है तो यहाँ पर ये सब कुछ लिखा गया है। यहाँ पर आपको एक्ट भी पढ़ने हैं, इको सिस्टम पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ना आपको इको सिस्टम, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपको पूरी डिटेल से पढ़नी है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एक तो इकोलॉजी का टॉपिक, इसके साथ साथ आपका बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक, इसके साथ साथ जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, इसके साथ साथ जितने भी एक्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है इसी के तहत जितने भी, जैसे वाटर प्रिवेंशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, इनसे रिलेटेड इश्यूज जो है उन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। अगर आपने जैसे पहले जो ईवीएस की है टीजीटी के टाइम पर, जिसने भी टीजीटी दिया है तो उसका यहां से कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, बट आपको बस थोड़ा सा ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट जिसने नहीं पढ़ी है उसको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अपने चैनल पर ये जो ईवीएस है और डिजास्टर मैनेजमेंट है ये आपको करा दूंगी। ठीक है, डेली की आपको दो क्लासेस, एक आपको ईवीएस के साथ साथ एक आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यही बताना था मुझे आज की क्लास में। और मैं जो ये ईवीएस स्टार्ट करूंगी ना बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक से स्टार्ट करूंगी, और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पर ईवीएस की क्लास में आपको यहाँ पर जैसे जो भी आपका कंसेप्चुअल रहता है यानी कि कंसेप्ट भी इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, साथ साथ जो फैक्चुअल बेस है ना वो भी आपको पढ़ाऊंगी, तो दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे। एग्जाम में अगर इन दोनों में से ही कुछ पूछ लिया जाता है तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ साथ इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो ये यही बताना था मुझे आज की इस वीडियो में कि इसके साथ साथ जैसे आपके यहाँ पर आपको गिवन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन दिया गया है, बस इसमें दो से तीन टॉपिक ही गिवन है, जैसे आपके प्रीएम्बल है, साथ साथ इसके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एंड फंडामेंटल राइट्स हैं, सिर्फ आपको यही करने हैं। और ये बहुत इजी है, मैंने आपको मेरे चैनल पर ये करा भी रखे हैं, बहुत डिटेल से भी करा रखे हैं, जो आपको इंडियन पॉलिटी के नाम से फोल्डर मिल जाएगा वहां पर मैंने आपको इंडियन पॉलिटी अच्छे से करा रखी है। ठीक है, बट फिर भी इसकी दो तीन क्लास बनेगी, मैं फिर से बना दूंगी, और जितने भी यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, इनको अच्छे से लर्न करा दूंगी कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है, तो इसमें आपको कोई भी मतलब परेशानी नहीं रहेगी इसको याद करने में। ठीक है, तो ये बहुत इजी, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में इसमें से एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल भी सकते हैं, क्योंकि इन्होंने गिवन किया यहां दिया है तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा इसमें से क्वेश्चन। अगर और यहाँ पर जैसे रोड सेफ्टी ट्रैफिक रूल्स हैं, अगर आपने टीजीटी दिया तो आपकी ये भी प्रिपेयर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। साथ साथ यहाँ पर जो इंश्योरेंस लिखा है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, इसको भी पढ़ लेना, बट मैं कोशिश करूंगी इसे भी कराने की, अगर मुझे इतना टाइम मिल जाता है तो मैं जरूर इंश्योरेंस भी आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो यही जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, डिजास्टर एंड ईवीएस तो मैं आपको कराऊंगी कराऊंगी, अगर टाइम मिल जाता है तो इंश्योरेंस भी मैं आपको साथ साथ करा दूंगी, अगर टाइम मिल जाता है तो। मैं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं देती हूँ, बट
स्टार्ट करूंगी मैं जो ईवीएस है वो डाइवर्सिटी से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे आपको जितने भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी जैसे इसके अकॉर्डिंग जो रूल मतलब सॉरी जो एक्ट है, जैसे प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी प्रोटोकॉल हुए कन्वेंशन हुए हैं वो सभी पढ़ने इसमें जरूरी है। टीजीटी में आपके वो पढ़ने जरूरी नहीं थे क्योंकि वहां गिवन नहीं थे, यहां पर गिवन है तो आपको ये पढ़ने जरूरी है, ठीक है। तो आप ये पढ़कर जाइएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगती है क्योंकि यहां पर इन्होंने यहां पर सिर्फ नेचुरल डिजास्टर दिया है, क्लाइमेट चेंज दिया है, मैनमेड डिजास्टर दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट दिया है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ डिजास्टर रिडक्शन दिया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दिया है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स दिए हैं, रोल ऑफ एनजीओ की इनमें एनजीओ क्या रोल प्ले करते हैं ये सारे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। मीडिया क्या रोल प्ले करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है इसमें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर क्या क्या काम हो सकते हैं ये सभी आपको पढ़ लेने जरूरी होंगे, ठीक है। इसके लिए जो डिजास्टर है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, बट ईवीएस का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा लेंथी है और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जुलाई में आपका एग्जाम होने जा रहा है ये, और सितंबर तक ये आपके एग्जाम चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम तक ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और जो क्लासेस रहेंगी ना वो थोड़ी सी लेंथी रहेंगी क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है आपका और एग्जाम तक अगर मैं थोड़ा थोड़ा कराऊंगी तो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये पढ़ लेना जरूरी रहेगा और मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्लास में। शाम तक आपको एक ईवीएस की बायोडाइवर्सिटी पर क्लास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो कल हमारी डेली दो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, एक डिजास्टर मैनेजमेंट की और एक ईवीएस की, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको लगे कि जो ये क्लासेस हम किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं तो आप हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें, थैंक यू, धन्यवाद।